हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। तो आज का दिन होने वाला है बड़ा ही शानदार, और हमने प्रिपेयर किया है, हमने बनाया है एक बहुत ही अच्छा सा प्लान कि हम घूमने जाएंगे देवभूमि पर। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार का हमारा प्लान है। सुबह के बजे हैं 5:30 और हम निकल चुके हैं घर से। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं जाने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, हर हर गंगे जय माता की चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको घर बैठे ही दर्शन करा दूंगी देवभूमि के, और दर्शन कराऊंगी रघुनाथ जी मंदिर के, जो बहुत ही स्पेशल है, और दर्शन कराऊंगी महासंगम के। तो व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। दिल्ली से देवप्रयाग तक की अगर मैं दूरी की बात करूं, तो वो लगभग 310 किलोमीटर है। और अगर आप बाय रोड जाते हैं, अपनी टैक्सी से या कार से जाते हैं, तो आपको लगेंगे लगभग 7 घंटे। और अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं, बाय एयर जाना चाहते हैं, तो आप पहुंचेंगे देहरादून तक। और अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं, तो आपको ऋषिकेश में ही उतरना होगा। इन खूबसूरत से नज़ारों को, इन सीनिक व्यूज़ को हम लोग इंजॉय करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे आगे। आप भी मेरे साथ इन सीनिक व्यूज़ को इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम दूर से पहाड़ देखते हैं, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए, हम लगभग 9:15 बजे ऋषिकेश पहुँचे थे, और हमने ब्रेकफास्ट वहीं पर किया था। तो इस प्यार से व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और एंड तक ज़रूर देखना। अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आज पहुंचेंगे देवप्रयाग। और आपको यहाँ मैं बता दूं कि रास्ते इतने खूबसूरत हैं, सीनिक व्यूज इतने प्यारे हैं, और आपका जो सफर है उसका मजा दुगना हो जाता है जब आपको मिलती है सड़कें बहुत ही स्मूथ। तो मैं बता दूं आपको, जैसे आप सड़कें दिल्ली में देखते हैं या बहुत ही अच्छी जगह आपको लगता है कि हाँ सड़कें बहुत अच्छी हैं, ऐसी ही सड़कें आपको मिलेंगी चारों धाम प्रोजेक्ट में। बहुत ही अच्छी सड़कें हैं, बहुत ही चौड़ी सड़कें हैं, बड़े ही आराम से धैर्यपूर्वक आप ड्राइविंग करेंगे तो बहुत सेफली आप ड्राइविंग कर पाएंगे, और सड़कों से आपकी गाड़ी को कभी कोई नुकसान नहीं होगा।
लगभग 2 बजे तक देवप्रयाग पहुंच गए थे और फिर हमने यहाँ पर रूम्स भी ले लिए हैं क्योंकि हम पूरी फैमिली थे, 5 लोग थे, तो हमने यहाँ पर 2 रूम्स लिए हैं। और आपको बताऊँ मैं, यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी फेसिंग है, यहाँ से मुझे संगम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो सीनिक व्यू की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे हैं, पहाड़ है, संगम दिख रहा है, तो इससे बेस्ट हम क्या ही लेंगे। क्योंकि जब हम कार में जाते हैं या किसी भी तरह से जाते हैं तो थोड़ी सी थकावट तो होती ही है, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद लंच किया, और लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब संगम की तरफ जाते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा लंच वगैरह लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संगम पर जाने की बात। और मैं अपने होटल की बात करूं तो यहाँ पे इसका नाम था मोटल देव, और ये मेन रोड पर ही था जहाँ से देवप्रयाग स्टार्ट होता है, बिल्कुल वहीं पर है। कुछ होटल्स वहीं पर हैं जो आप अगर स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही रुकें, बाद में आपको होटल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बाहर रोड पे से ये होटल सिर्फ 1 मंजिला मुझे नजर आया था, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर भी स्पेस है या ये कैसा होगा, लेकिन जब हमने बाद में एंट्री की या मेरे हस्बैंड ने इसको देखा कैसा है, तो उसके बाद ये 8 मंजिला निकला, और आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत है। और यहीं पे मेंशन कर देना चाहती हूँ कि देवप्रयाग में हमें जो होटल के मालिक थे उन्होंने बताया कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है 4 धाम का, वो बहुत ही तेजी से चल रहा है और बड़े ही स्तर पर उस पर काम चल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अभी तक हम ऋषिकेश तक ही जाते हैं रेलवे में, अभी आगे तक भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बात करूँ तो हमारे होटल से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक का दूरी थी, जिसे पैदल चलना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ थे। और बात करूँ पहाड़ों पर 1 किलोमीटर बहुत ही लंबा लगता है अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कार के थ्रू ही वहाँ जाएंगे, बाई कार ही वहाँ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर भागीरथी को क्रॉस करने के लिए लगा है एक झूला जो हम पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये झूला मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने लक्ष्मण झूला देखा है
ऋषिकेश का जो हल्का हल्का हिलता रहता है ये सिम उसी के जैसा है, क्योंकि जब आप नदी के ऊपर खड़े होते हैं तो हवा बहुत तेज होती है, पानी का जो साउंड होता है वो बहुत तेज होता है। तो यही मैं आपको मेंशन करूंगी कि ये सेम लक्ष्मण झूले जैसा ही है, बहुत ज्यादा हिलता है, हालांकि इस पर ट्रैफिक नहीं चलता है, लक्ष्मण झूले पर बाइक वगैरह जाती हैं, तो ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही है। और यहाँ पे खड़े होके आप भागीरथी को देखेंगे तो आपको जो पॉजिटिविटी और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना, वो आपके लिए बहुत हीलिंग का काम करती है। क्योंकि सबसे पहले हम लोग जाएंगे संगम पर, उसके बाद जाएंगे रघुनाथ जी मंदिर में, तो संगम पे जाने के लिए इसको हमें पार ही करना है। और यहाँ खड़े होके रिलैक्स करने में जितना मजा आता है, आप भी अगर जाएंगे तो यहाँ खड़े होके कुछ मिनट जरूर स्पेंड करना। और यहीं पर आप मेरे पीछे देखेंगे जो मेरे दाईं तरफ है वहां से आ रही है गोमुख से भागीरथी, ये देख सकते हैं ये भागीरथी है। और जो मेरी बाएं तरफ है वहां से आ रही है अलकनंदा। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है, और जो संगम का इस मौसम में जल था वो बहुत ही आइसी था, बहुत ही ज्यादा ठंडा, बर्फ जैसा। स्नान करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने स्नान नहीं किया था, मैंने ऐसे ही खुद पे छींटे लगाए थे। हालांकि कृष्णा ने और उसके पापा ने दोनों ने स्नान किया था, उसके बाद पूजा भी की थी। तो भागीरथी और अलकनंदा का ये संगम देवप्रयाग में होता है, और ये बहुत ही मनमोहक सदृश है। आप जरूर एक बार प्लान बनाना यहाँ जाने का, ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। नहीं, मैंने चिट्टा मार लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रघुनाथ जी मंदिर, यही पर दर्शन करके आप भी अनुभूति लीजिए। ये रघुनाथ जी का मंदिर है, रावण की हत्या करने के बाद भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी प्रायश्चित करने के लिए कि मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तो यहाँ रघुनाथ जी की मूर्ति है मुख्य मंदिर में, और वो शिला भी है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो आप भी इसको आनंद लीजिए और अनुभूति लीजिए भगवान राम की, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। और मैं यहाँ पर आपको जो मंदिर दिखाऊंगी वो दरवाजों के बाहर से ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मंदिर उस तरह से नहीं खुले हैं जिस तरह से हम चाहते हैं कि मंदिर खुले, अंदर जाके सभी जगह दर्शन करें, तो इस तरह से, लेकिन आप पूरे अच्छे से दर्शन कर सकते हैं।
क्लास में हो? फिफ्थ में आए हो या एग्जाम दिया फिर से? फिफ्थ के एग्जाम नहीं है, अब अगले महीने होगी स्कूल। नहीं, फिफ्थ में के एग्जाम दिया कि फिफ्थ में आए हो? फिफ्थ में आए हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। बाय। इस वाली मिठाई का नाम क्या है? नाम है या ऐसे? ये वाली बर्फी है मैंने। बस बर्फी। और ये वाली पत्ते? सिंगोरी है। ये सिंगोनी? सिंगोनी सिंगोरी सिंगोरी बाल मिठाई। ये सिंगोरी पत्ते के साथ पेड़ की तरह लग रही है। हाँ हाँ, बाल मिठाई तो मुझे पता है। ये बेसन के लड्डू। अच्छा, ये तो वही बताइए। ये तो मुझे पता है। अरे तो गाय उस पर घुस के दीवार पे दुकान ला रही। अरे यार, इधर घुस जाते हैं।